बागोदर विधायक विनोद कुमार सिंह ने बुधवार को बागोदर सीएचसी स्थित कोविड वार्ड का निरीक्षण कर यहां मिल रही चिकित्सीय सुविधा का जायजा लिया। इस दौरान इन्होंने कोविड वार्ड में भर्ती मरीजों का हालचाल पूछा और किसी प्रकार की परेशानी होने पर उनसे संपर्क करने की बात कही, साथ ही मरीजों का हौसला बढ़ाया। कोविड वार्ड में विधायक विनोद सिंह के सहयोग से पाइपलाइन के जरिए सभी बेड पर ऑक्सीजन पहुंचाने की व्यवस्था की जा रही है। इसके लिए चल रहे कार्य का भी जायजा लिया और चिकित्सा प्रभारी बीपी सिंह से अस्पताल और भर्ती मरीजों का हालचाल जाना। इस दौरान विधायक विनोद सिंह ने कहा कि अनुमंडल स्तर पर कम से कम एक सुविधा संपन्न अस्पताल की जरूरत है, जहां मरीजों को 24 घंटे इलाज की व्यवस्था हो। कहा कि सरकारी स्तर पर और आम लोगों के सहयोग से यहां ऑक्सीजन की उपलब्धता है। पाइपलाइन तैयार हो जाने के बाद एक सिलेंडर से ही सभी बेड पर ऑक्सीजन उपलब्ध किया जा सकेगा, जिससे न सिर्फ गंभीर रोगियों के इलाज में सुविधा होगी बल्कि ऑक्सीजन की बर्बादी भी रोकी जा सकेगी। उन्होंने अपने प्रयास से जल्द ही एक और वार्ड तैयार किए जाने की बात कही। लगातार कोशिश हो रही है और खास करके सीएससी बगोदर के हम तमाम चिकित्सकों चिकित्सा कर्मियों को धन्यवाद देते हैं कि लगातार तबीयत खराब होने के बावजूद यहाँ 24/7 लोग सेवा दे रहे हैं। लोगों की ऑक्सीजन भी दिया जा रहा है और लोग एडमिट भी हो रहे हैं, जांच भी हो रही है। हम लोगों की कोशिश है, सीमित संसाधनों के बावजूद पिछले दिनों हुआ था कि भी अलग अलग सिलेंडर से अगर पाइपलाइन के द्वारा अगर किया जाता है दो वार्ड में कम से कम तो बेहतर हो जाएगा। तो पिछले दिनों डीसी डीडीसी साहब से भी बात हुई थी, हमने एमएलए को से भी कहा था, अनुरोध किया था, तो एक स्वीकृति हुई है। तो एक वार्ड तैयार हो रहा है पाइपलाइन के द्वारा, ताकि कम से कम उस वार्ड में लोगों को जो है पाइपलाइन से जो है ऑक्सीजन जो दिया जाए। इसके अलावा एक एडिशनल वार्ड और तैयार हो रहा है, वहाँ भी इमरजेंसी स्थितियों में लोगों के मरीज की संख्या ज़्यादा में यदि उस समय सिलेंडर कम हो ऑक्सीजन, तो वो सिंगल सिलेंडर से भी जिम्बो सिलेंडर से भी चलाया जा रहा है। तो वह भी वार्ड तैयार हो जा रहा है लोगों के सहयोग से, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 2 से 3 दिनों में ये पूरा दोनों वार्ड फुली तैयार हो जाए, ताकि अगर ज़रूरत पड़ने पर 20 लोगों को भी एक साथ जो है वो ऑक्सीजन जो है वो दिया जा सके।